नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं स्टार्टअप की दुनिया का सबसे मशहूर शो आवाज एंटरप्रेन्योर। अगले आधे घंटे में हम जायजा लेंगे स्टार्टअप की दुनिया का और आपके सामने पेश करेंगे नए बिजनेस आइडियाज को। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है हमारे आसपास फैली हुई गंदगी। अगर बैंगलोर की ही बात करें तो यहां एक ही दिन में 5000 टन का कचरा जमा होता है। इसमें ज्यादातर कचरा गीला होता है जो दिन ब दिन शहर की खूबसूरती को बिगाड़ रहा है। कचरे के ढेर से बिजनेस आइडिया ढूंढ निकाला है IIM ग्रेजुएट मैनक चक्रवर्ती और श्री कृष्णा शंकर ने। कचरे से बायोगैस बनाकर उसको रसोई गैस का रूप दे रहा है इनका स्टार्टअप ग्रीन पावर सिस्टम। इस रसोई में पक रहा खाना देश के 14 लाख बच्चों का पेट भरेगा। अक्षय पात्रा 10 राज्यों के 10,845 स्कूलों में मिड डे मील की सेवा देती है और ये NGO खाना बनाती है बायोगैस के जरिए। इनके लिए बायोगैस प्लांट का निर्माण बंगलुरु की GPS रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट था। बायोगैस बनती है गीले कचरे से और ये कचरा बंगलुरु की बड़ी समस्या बनता जा रहा था। इसका समाधान है बायोगैस प्लांट। हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था अक्षय पात्रा बैंगलोर में और ये हमें बहुत प्राइड देता है ये कहते हुए कि पिछले 2.5 साल से हमने ये इंश्योर कराया कि अक्षय पात्रा बैंगलोर किचन से कोई भी कचरा लैंडफिल में ना जाए और हमने उनकी जो सारी LPG नीड्स हैं वो उनके कचरे से हम जो फ्यूल पैदा करते हैं उससे रिप्लेस कर दिया है। तो और सपना हमारा बस यही है कि ऐसे और सक्सेस स्टोरीज हम बस देश में नहीं देश के बाहर भी क्रिएट कर सकें। अक्षय पात्रा के अलावा आर्ट ऑफ लिविंग, मणिपाल यूनिवर्सिटी, TVS, इंफोसिस, फिलिप्स जैसे बड़े नाम GPS के क्लाइंट्स हैं। GPS का सफर महज 4 साल का है। 2011 में GPS रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी की शुरुआत मैनक चक्रवर्ती, श्री कृष्ण शंकर ने मिलकर की। 15 लाख के स्टार्टअप कैपिटल से प्रोटोटाइप बनाया, जल्द ही 25 लाख सीड फंड भी जुटाया और सबसे गर्व की बात ये कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कंपनी को 50 लाख रुपए की ग्रांट दी। ये एब्सोल्युटली फ्री ग्रांट था बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को लगा कि दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये उनकी एक स्कीम है बायोटेक इग्निशन ग्रांट करके और हम उसके फर्स्ट रिसिपियंट्स में से थे। इस ग्रांट ने हमें बहुत हेल्प किया क्योंकि इस ग्रांट की वजह से हम फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ पहली बार कोलैबोरेट कर सके। तो एक्चुअली हमें बस वो कैपिटल चाहिए था कि इस प्रोडक्ट को एक बार प्रूव करने के लिए। एक बार जब प्रूव हो गया फिर फ्रैंकली स्पीकिंग फिर तो हम प्रोजेक्ट को हमने बेचने की कोशिश की और जो एडवांस के जरिए हम सारे वर्किंग कैपिटल नीड्स फुलफिल करते थे तो फ्रैंकली स्पीकिंग हमें और कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ी तो वी आर वेरी मच प्रॉफिटेबल। इस ग्रांट से कंपनी को काफी मदद मिली। इसके बाद कमर्शियल बायोगैस प्लांट बनाने के 25 प्रोजेक्ट्स पर कंपनी ने काम किया। दरअसल बायोगैस का कारोबार कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं था लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से उसे स्ट्रीमलाइन करना फाउंडर्स का मकसद रहा। हमारे बॉडी में की ब्यूटी ये है कि जैसे कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है हमें किसी तरह वो अलर्ट कर देता है और एक डाइजीन के जरिए वो प्रॉब्लम को हम तभी के तभी स्टॉप कर देते हैं। तो हमें लगा कि ये चीज बायोगैस को भी जरूरत है तो हमें लगा कि बायोगैस प्लांट्स को और स्मार्ट बनाना चाहिए। जैसे बोलते हमें लगा कि इसको एक इंटरनेट ऑफ थिंग बनाना चाहिए तो हमें लगा कि एक कंप्लीट रीडिजाइन बायोगैस प्लांट की जरूरत थी और ये और इस चीज से हमने चालू करा तो हमें 3 साल लगे बायोगैस प्लांट्स के ये कंप्लीट रीडिजाइन के लिए। तो कैसे करती है कंपनी ये काम और कितना अलग है ये बाकी बायोगैस प्रोजेक्ट से? ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि कचरे को ब्रेक डाउन करता है दो बहुत ही यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स में। एक है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मीथेन और दूसरा है मैन्यूर। इट्स ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। अगर जो बैक्टीरिया की बात करें द ब्यूटी विथ काउडंग इज दैट कि ये आंसर्स ऑलरेडी नेचर में है। इवन अगर हम कोई एंजाइम्स ना डालें काउडंग से भी ये प्लांट काम कर जाता है और जिसके वजह से
देश में भी काफी सालों से गोबर गैस प्लांट्स काम करते थे। जो पार्ट डिफरेंटली हम कर रहे हैं और जिसकी जरूरत थी वो है कि ये प्लांट्स एक बार स्टार्ट हो जाएं उनको सेम एफिशिएंसी पे रन करने के लिए और साइंस की जरूरत है और बायोकेमिस्ट्री की जरूरत है और फर्दर एंजाइम्स की जरूरत है जो कि हम थ्रू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। हमने जो अलग से किया है वो है कि हमने बायोगैस प्लांट को इतना ऑटोमेट कर दिया कि ताकि कोई भी अनस्किल्ड पर्सन उसको ऑपरेट कर सके। तो आज के डेट में अगर बताऊं तो इन सारे केसेस में हमारे तरफ से कोई पर्सनल नहीं रहता इन प्लांट्स में। इन सब क्लाइंट्स के हाउसकीपिंग जो स्टाफ है उन्हीं को हम ट्रेन करते हैं, बस 3 दिन की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और वो फिर प्लांट को ऑपरेट करते हैं। आगे चलकर कंपनी पब्लिक बायोगैस प्लांट शुरू करने की तैयारी में है, लेकिन इसके लिए बाजार तैयार करना जरूरी है जो कचरे की वैल्यू बढ़ाकर किया जा सकता है। बैंगलोर और इवन बॉम्बे में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पब्लिक बायोगैस प्लांट सेटअप कर सके जहां की लोकल वेस्ट मैनेजमेंट एनजीओस की ऑर्गेनाइजेशंस आके कचड़े को पहली बार बेच सके। मैं वेट वेस्ट की बात कर रहा हूं। हमारे देश में वेट वेस्ट की इतनी बड़ी समस्या इस वजह से है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तभी ये या तो लैंडफिल में एंड अप करता है नहीं तो वर्स्ट स्टिल हमारे सड़कों पे। हमें लगता है इस प्रॉब्लम को तभी सॉल्व की जा सकती है जब इसको और वैल्यूएबल की जा सके, जब इसके लिए एक मार्केट हम क्रिएट कर सके और जो हम ट्राई करें और जब वो करेंगे ये सब प्रोजेक्ट जब चालू हो जाए तब डेफिनेटली और ज्यादा सिटीजन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में हम खुद कलेक्शन में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा फोकस टेक्नोलॉजी में है और एक टेक्नोलॉजी फर्म को टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए जो कि उनको बेस्ट आता है। बट हमारा आइडिया वो है कि वेस्ट को हम इतना वैल्यूएबल कर सके ताकि और बहुत वेस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंसेंटिवाइज्ड हो ताकि वो वेस्ट को सेग्रीगेट करके हमारे प्लांट पे ला सके। यहां लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे स्टार्टअप्स में इनोवेशन की अहमियत पर करेंगे चर्चा। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और यह है स्टार्टअप की खबरें आप तक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा शो। इनोवेशन के बगैर स्टार्टअप्स की गाड़ी तेजी से आगे नहीं बढ़ती, इसीलिए हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की मदद से इनोवेशन पर जोर देना अब जरूरी बन चुका है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी हो रहे इनोवेशन पर मैंने बात की प्रैक्टो के को फाउंडर शशांक एनडी और एलवी प्रसाद आई लैब्स के डॉक्टर एंथनी विपिन दास से। शशांक, आप आई स्पिरिट के साथ और इनोफेस्ट की टीम के साथ मिलकर हेल्थ केयर वाले इनोवेशंस को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कितना बड़ा मार्केट है इस समय और क्यों जरूरत है हेल्थ केयर में नए नए इनोवेशंस लाने की? पहली चीज ये है कि इंडिया का जो हेल्थ केयर मार्केट है वो अभी 100 बिलियन से ज्यादा बढ़ गया है और अंदाजा ये है कि 2018 से 20 तक ये 300 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो ये इंडस्ट्री बहुत ही जल्दी बढ़ रही है। बट इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ केयर में, जैसे रूरल इंडिया में जो मोर्टैलिटी रेट्स हैं बच्चों के और मदर्स के, दैट्स वेरी वेरी हाई एंड ये प्रॉब्लम्स इनोवेशन सॉल्व कर सकती हैं। ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज जो हैं, जो हॉस्पिटल्स लगाना है और डॉक्टर्स को लाना है, वो तो चल ही रहा है, पर इनोवेशंस अगर अप्लाई किया जा सकता है तो इसको लीप फ्रॉग कर हम ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। एक जैसे अफोर्डेबिलिटी, यहाँ पे जो रूरल इंडिया में है वहां पे अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा इश्यू होता है और अब जो मोबाइल और टेक्नोलॉजी जो आ चुका है इस पे अगर इनोवेशन हो रहे हैं अभी हेल्थ केयर में, वो इस अफोर्डेबिलिटी जो हमारे सिटीजन्स हैं रूरल इंडिया में उनको ये हेल्थ केयर इजीली अफोर्डेबल बना सकती है। दूसरी चीज ये है कि एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ रही है, जहां जहां डॉक्टरों की कमी है, एस्पेशली टायर 3 टायर 4 सिटीज और टाउन्स और विलेजेस में, जहां पे एक्सेसिबिलिटी बहुत ही बड़ी मुश्किल चीज है हेल्थ केयर को प्राप्त करने के लिए, जहां पे डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, लैबटिशियंस की कमी है, स्पेशलिस्ट की तो बहुत कमी है, वहां पे ये जो इनोवेशंस हो रहे हैं यहां पे उनको अगर अप्लाई किया जा सकता है तो इस प्रॉब्लम्स को हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं और लीप फ्रॉग कर सकते हैं हेल्थ केयर को और ये जो पूरे इंडिया का जो इंडेसिस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं।
आप इनफैक्ट एलवी प्रसाद हाई हॉस्पिटल में हमने देखा है कि इनोवेशन सेंटर भी है, तो किस तरह के इनोवेशन पर इस समय काम हो रहा है? क्योंकि मैंने सुना है कई ग्रामीण इलाकों में इलाज के लिए कई इनोवेशन का इस्तेमाल हो रहा है, वो जो शशांक भी कह रहे हैं कि लो कॉस्ट इलाज हो रहा है। तो एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में जो है, हमने 3 साल पहले MIT मीडिया लैब बॉस्टन से हमने एक कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है। मैं मानता हूं कि डॉक्टर जो मेडिसिन पढ़ता है, राइट, उनको आइडियाज है, पर उनको कहां पे जाना है, व्हाट इज द प्लेटफॉर्म, दे डोंट नो। सो हमने वी क्रिएटेड अ कोलैबोरेशन मॉडल जो 100 स्टूडेंट्स के साथ हम हर साल हैकाथॉन्स करके नए आविष्करण, नए इनोवेशंस हम क्लिनिक में हम लेने के लिए की यू नो दैट्स दी कोशिश कर रहे हैं। सो आई बिलीव दैट देयर शुड बी एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डॉक्टर्स देमसेल्व्स इन द इनोवेशन प्रोसेस, एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ अ मॉडल इज वेरी एक्साइटिंग इन इंडिया टुडे। क्योंकि हम अगर जो डॉक्टर के लिए हम बिल्ड कर रहे हैं, अगर सोचिए आप डॉक्टर खुद आइडिया के साथ आपके पास आ रहा है कि हमको हेल्प चाहिए, तो आई थिंक दैट इज अ मच स्ट्रॉन्गर वे मूविंग फॉरवर्ड। और जैसा शशांक ने बोला है, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री में। वी आर अ कंट्री ऑफ 1.2 बिलियन पीपल एंड 70% जो है रूरल विलेजेस में बसे हैं, तो हाउ डू वी टेक हेल्थ केयर टू देम? तो हमारे कंट्री के लिए देर इज अ नीड फॉर अस टू इनोवेट इंटेलिजेंटली, सो दैट हेल्थ केयर जो है हम दूर दूर तक लेकर जा सकते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एफिशिएंसी भी हम मेंटेन कर सकते हैं। इसी पर शशांक, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगी, फिर जो आप कह रहे हैं कि इनोवेशन पर इतना काम हो रहा है, कई इंटरनेशनल फर्म्स के साथ भी आप लोग इस पर यू नो माइंड स्टॉर्म कर रहे हैं, तो वाकई में ग्राउंड लेवल पर आप क्या इंप्लीमेंट होता देखा जाएगा? ये अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेसिबिलिटी जो होता, अभी जो विषय हम बात कर रहे हैं, जहां पे रूरल इंडिया में नर्सेज, डॉक्टरों और लैब की कमियां हैं, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं टेलीमेडिसिन से। टेलीमेडिसिन अभी नए प्रकार से आ रहा है, जहां पे मोबाइल फोन और इंटरनेट को जो रूरल इंडिया में लोगों के पास है, वो हमने कनेक्ट किया है अर्बन डॉक्टर्स के साथ। अर्बन डॉक्टर्स के पास भी अभी मोबाइल फोन और इंटरनेट है, और अगर जो डिमांड जो एक्स्ट्रा हो रहा है अभी रूरल इंडिया में, उसको हम जो एक्स्ट्रा सप्लाई है अर्बन इंडिया में, उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इनोवेशन मैं देख रहा हूं कि और आई स्प्रिट देख रही है कि बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ अफोर्डेबिलिटी का जो जब विषय आता है, तब हम देख रहे हैं कि मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो बहुत इनोवेशंस अब हो रहे हैं इंडिया में। और आईस्प्रिट से भी हमने ये स्टडी किया था कि जब मेडिकल डिवाइसेस को हमने मिनिचराइजेशन किया है, उनको छोटा बनाया है, तो वो हम विलेजेस में ले जा सकते हैं, और जब हम वो विलेजेस में ले जाते हैं तो उसका कॉस्ट कम हो जाता है, और साथ साथ एक लैब टेक्नीशियन की जरूरत भी कम पड़ जाती है। तो वो सेम डिवाइस ऑटोमेटिकली रीडिंग दे सकता है, वो डायग्नोस्टिक चेकअप कर सकता है, और एक डॉक्टर की जो जरूरत है उसको कम कर सकता है। तो ये जो मेडिकल डिवाइसेस के इनोवेशन हो रहा है, उससे अफोर्डेबिलिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगा, और उससे प्रिवेंटिव भी ज्यादा हो जाएगा। जब आप प्रिवेंटिव करते हो तो आपका जो कॉस्ट होता है क्योर में, वो कम हो जाता है। तो अगर आपका जो इश्यू है वो अगर जल्दी से पहचाना जाएगा, तो आपका जो कॉस्ट है वो कम होता दिखेगा। तो ये दो इनोवेशन हम देख रहे हैं कि टेलीमेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस में, और आईस्पिरिट की यही कोशिश है कि इस इनोवेशन को हम पूरी तरह से सपोर्ट करें, इनको बढ़ावा दें, और इनको पूरी इंडिया में हम डिप्लॉय कर पाएं। क्या हम आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे लोग हैं जो यू नो आंखों की प्रॉब्लम पर काफी रिसर्च कर रहे हैं, वहां पर नए तरीके से उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप अपना जो इनोवेशन सेंटर है आगे सोचेंगे कि देश भर में फैलाएं, उस पर कुछ विचार हो रहा है, काम हो रहा है? एब्सोल्युटली, एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट जो है 134 सेंटर स्ट्रांग नेटवर्क है। हमने पिछले 5 साल से हमारा नेटवर्क को डिजिटली भी हमने ऑलरेडी नेटवर्क कर दिया है। वी हैव एक्चुअली एम्बार्क्ड ऑन अ चैलेंज कॉल्ड डोर स्टेप टू बोर्डरूम। जैसे शशांक ने बोला है, हम अगर वो लास्ट माइल डोर स्टेप तक इनोवेशन और मेडिकल डिवाइस से पहुंच सकते हैं, दैट इज द ट्रू इम्पैक्ट दैट वी आर ट्राइंग टू जनरेट। और जैसे हमने बोला है, हमारी कोशिश यही है कि जो इनोवेशन हम इनोवेशन सेंटर के जरिए हम बाहर लेकर आते हैं, उसको हम जरूर स्केल करके वी शुड बी एबल टू गेट एफिशिएंट हेल्थ केयर टू द लास्ट माइल। मेरा आखिरी सवाल प्रशांत आपसे होगा, और आपकी कंपनी से जुड़ा हुआ होगा, कंसिडरिंग ये एक एरिया है जहां पर आपने काफी आसानी से लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाया है, अब अगला बड़ा कदम क्या दिखेगा, हम प्रैक्टोक की ओर से आता हुआ देखेंगे? अभी जो प्रैक्टिकल कोशिश है कि जो 35 सिटीज में हमारे 200,000 डॉक्टर्स को हमने लिस्ट किया है,
तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स को जब उनको कोई नीड हो तो वो बहुत आसानी से एक डॉक्टर को प्राप्त हो और उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश है इसको हम और मजबूत बनाएं और उन डॉक्टरों के साथ वो बातचीत भी करना चालू कर पाएं, ताकि अगर कोई अपॉइंटमेंट के बाद आपके साथ कोई इश्यू हो तो आप डॉक्टर से बातचीत भी फॉलो अप पे काम होगा। लेकिन क्या कोई टारगेट्स हैं, आप कितने डॉक्टर्स तक अपनी पहुंच बनाना चाहेंगे, कितने और लोग जोड़ेंगे इस प्लेटफॉर्म पर? हाँ, अभी तो हमने ऑलमोस्ट पूरे जो इंडिया में डॉक्टर्स हैं उनको हमने 35 सिटी में जो भी डॉक्टर्स हैं हमने उनको ऑनबोर्ड कर लिया है। बट कोशिश यही होगी कि हमें ये जो 35 सिटीज हैं इसको हम 100 सिटीज इंडिया में ले जाएं, ताकि 100 सिटीज जो 200 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया की उसको हम एड्रेस कर पाएं पहले। इसके साथ साथ हम एक और कोशिश कर रहे हैं जहां पे हम प्रिवेंटिव में भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को बीमार होने से बचाया कैसा जा सकता है, उस पर भी अभी काम चालू है। आई बिलीव एज अ डॉक्टर इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम लीड्स टू द राइट इम्पैक्ट। सो जैसा प्रैक्टिकल के जरिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ऑफ वेयर यू कैन गेट एक्सेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो भी नहीं, जैसा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है वो that is not really big in our country. We need to be focusing on preventive health care and automatically the cost of treating will come down. So I believe India mein moving forward, I think preventive health care is going to be very big, and with a country of 1.2 billion we have big data and I think it's an exciting phase for our country right now. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो साफ निकल कर आया है इनोवेशन के जरिए टेली मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेज और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये तीन एरियाज हैं जहां पर एंटरप्रेन्योर्स आगे और भी बढ़िया काम करते हुए दिखाई देंगे। आगे देखेंगे दो पहियों की टैक्सी, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। काली पीली टैक्सी और आज के जमाने की रेडियो कैब, इन दोनों में छिड़ी जंग में अब उतरा है एक नया खिलाड़ी। गुड़गांव की दो कंपनियां एम टैक्सी और बैक्सी ने दो पहिए की टैक्सी उतारी है। इस टू व्हीलर टैक्सी के बिजनेस आइडिया को निवेशकों ने भी हाथों हाथ लिया है। आपको मंजिल तक पहुंचाने में कितनी मददगार साबित होगी ये टू व्हीलर टैक्सी सर्विस, बता रही है हमारी संवाददाता ईशा शर्मा। टू व्हीलर और टैक्सी, जी हाँ, गुड़गांव की सड़कों पर इन बाइक्स का टैक्सी की तरह इस्तेमाल शुरू हुआ है। एम टैक्सी और बैक्सी नाम से ये दो कंपनियों ने दोपहिया टैक्सी सर्विसेज लॉन्च की हैं। फिलहाल ये गुड़गांव के हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से मिला करेंगी। अभी तो हम पेज से शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट विद हुडा सिटी सेंटर जो एकदम शहर के बीच में है, और धीरे धीरे हम एक्सपैंड करेंगे। सो द एरियाज आर साइबर हब, द एरियाज आर उद्योग विहार, राजीव चौक, शंकर चौक, सोना रोड, दीज आर एरियाज दैट वी वांट टू कवर यू नो वेरी वेरी क्विक। रोजाना करीब 50 से 60 हजार लोग हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। एम टैक्सी और बैक्सी दोनों कंपनियां जल्द ही इसके लिए ऐप भी लाएंगी। इस टैक्सी सर्विस का किराया भी लोगों की जेब के मुताबिक रखा गया है। हमारी प्राइसिंग बहुत सिंपल है, फ्लैट प्राइसिंग है हमारी, इंक्लूसिव ऑल चार्जेस, ₹25 पहले 3 किलोमीटर के और ₹5 अगले किलोमीटर के 5 रूपये। ये दोपहिया टैक्सी सर्विस सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक गुड़गांव के मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप पर मिलेंगी। आगे जाकर दोनों कंपनियां दिल्ली एनसीआर में और जगहों पर भी सर्विस देंगी। एम टैक्सी ने मनदीप सिंह और जयराज सिंह से एंजल फंड्स जुटाए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल कारोबार बढ़ाने के लिए किया जाएगा। वहीं एम टैक्सी की कंपेटिटर कंपनी बैक्सी ने 10 करोड़ की सीट फंडिंग जुटाई है। सीट फंड राशि में ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मनीष खेत्रपाल, आलोक मित्तल, पुनीत दालमिया जैसे एचएनआईज ने इसमें पैसे लगाए हैं। 23 बाइक से शुरू हुई ये कंपनी नए साल में 150 बाइक के साथ बाजार में अपना नाम जमाने की पूरी कोशिश करेंगी। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। हमारा फेसबुक पेज हाजिर है जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, साथ ही आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नए आइडियाज के साथ, तब तक बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार एंड टेक केयर।